सलमान खुर्शीद का एक बयान कांग्रेस को मुश्किल में डाल सकता है। वक्त चुनाव का है, खुर्शीद के कारनामे को सेल्फ गोल माना जा रहा है। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि कांग्रेस के दामन पर मुसलमानों के खून के धब्बे हैं और कांग्रेस का नेता होने के नाते ये धब्बे मेरे दामन पर भी हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वार्षिकोत्सव में सलमान खुर्शीद ने ये बात कही। रविवार को कार्यक्रम में बोलते हुए खुर्शीद ने छात्रों को गुजरे जमाने से सीख लेने की नसीहत दी। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के बड़े मुस्लिम नेता हैं, उनके बयान से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। सलमान खुर्शीद से कांग्रेस राज में हुए दंगों के बारे में सवाल किया गया था। सलमान खुर्शीद से पूछा गया था कि कांग्रेस के दामन पर मुसलमानों के खून के जो इतने सारे धब्बे हैं, क्या इन्हें अल्फाजों से धोना चाहेंगे? नहीं नहीं, पॉलिटिकल क्वेश्चन है। हमारे दामन पे खून के धब्बे हैं, हमारी कांग्रेस का कोई हिस्सा हो तो मुझे मान लीजिए कि हमारे दामन में खून के धब्बे हैं, इसी वजह से आप हमसे कह रहे हैं कि अब कोई वार आप पर करे तो हमें बढ़कर उसको रोकना नहीं चाहिए। किसी ने मुझसे ये कहा कि आपकी पार्टी पर दाग है, मैंने कहा मुझ पर दाग है, इससे तो कोई गुरेज नहीं कर सकता कोई। मैंने कहा मुझ पे दाग है, अगर मेरी पार्टी को आप कह रहे हैं तो मुझ पे दाग है। शुरुआत कर दी सलमान खुर्शीद ने, अच्छा किया कि ये जो सारे हुए हैं कांग्रेस के सरकारों में उसका प्रायश्चित करने का समय आ गया है। ये पार्टी का बयान नहीं हो सकता, ये विवादित बात किसी ने कर दिए हैं, मैं इससे ना पार्टी सहमत है ना मैं सहमत हूँ। सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ाने की राजनीति कांग्रेस करती रही है। यदि सलमान खुर्शीद इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं कहती है तो मैं मानूंगा कि लिपापोती करती है।